हे गाइस, आप सबको हमारी इस एक और न्यू वीडियो में खुशामदी। दोस्तों, हुमायूं सईद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं और इन्हें पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया और दूसरे ममालिक में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हुमायूं सईद के टॉप 5 ड्रामास की लिस्ट लेकर आया हूँ और अगर आप भी हैं हुमायूं सईद के फैन तो आपको ये पांचों ड्रामा जरूर देख लेने चाहिए। वेल, बात करते हैं हुमायूं सईद के टॉप 5 ड्रामास के बारे में। दोस्तों, नंबर 5 पर हुमायूं सईद का जो टीवी सीरियल है उसका टाइटल है दोराहा। दोस्तों, दोराहा एक जॉनर का ड्रामा था जिसे साल 2008 में काफी ज्यादा पसंद किया गया। इस ड्रामा के टोटल 14 एपिसोड्स रिलीज किए गए थे जिन्हें 7th स्काई एंटरटेनमेंट पर प्रीमियर किया गया था। इस ड्रामा की कास्ट में हुमायूं सईद, सोनिया रहमान, सनम बलोच और अदनान सदीकी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। नंबर 4 पर हुमायूं सईद का जो ड्रामा है उसका टाइटल है मेरी जात जराए बेनिशा। ये एक ट्रेजेडी फैमिली जॉनर का ड्रामा था जिसे साल 2019 में काफी ज्यादा पसंद किया गया। दोस्तों, इस ड्रामा को OST अब तक काफी ज्यादा पसंद किया जाता है जिसे राहत फतेह अली खान की आवाज में रिलीज किया गया था। दोस्तों, ये एक मल्टी स्टार कास्ट ड्रामा था जिसमें एक बड़ी कास्ट देखने को मिली थी और हुमायूं सईद ने इस ड्रामा में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो दोस्तों, होपफुली अगर आप हुमायूं सईद के फैन हो तो ये ड्रामा भी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। हमारी इस वीडियो के नंबर 3 पर जो ड्रामा आता है उसका टाइटल है दिल लगी। दिल लगी ड्रामा को साल 2016 में पाकिस्तान और इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इस ड्रामा की टोटल 25 एपिसोड रिलीज की गई थी जिसके लीड रोल में हुमायूं सईद के साथ रेविश हयात को देखा गया था। और दोस्तों, अगर आप ये ड्रामा देख चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने अब तक ये ड्रामा नहीं देखा तो होपफुली आपको ये ड्रामा भी काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, सेकंड नंबर पर जो ड्रामा है उसका टाइटल है बिन रोए। बिन रोए एक रोमांटिक फैमिली जॉनर का ड्रामा था जिसकी टोटल 17 एपिसोड रिलीज की गई थी। 2016 में इस ड्रामा को इंडिया और पाकिस्तान में काफी ज्यादा पसंद किया गया। इस ड्रामा के इम्पोर्टेंट रोल में हुमायूं सईद के साथ मायरा खान को लीड रोल में देखा गया था। और दोस्तों, ये ड्रामा 2016 में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीवी सीरियल था। दोस्तों, नंबर 1 पर जो ड्रामा है उसके तो सभी फैन हैं और इस ड्रामा सीरियल का टाइटल है मेरे पास तुम हो। दोस्तों, ये एक फैमिली रोमांस और इमोशनल जॉनर का ड्रामा था। दोस्तों, ये ड्रामा साल 2019 का इतना पॉपुलर टीवी सीरियल है कि इस ड्रामा की लास्ट एपिसोड को सिनेमा की बड़ी स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस ड्रामा की टोटल 23 एपिसोड रिलीज की गई थी जिन्हें आप अब भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। इस टीवी सीरियल की कास्ट में हुमायूं सईद के साथ आयजा खान और अदनान सदीकी को देखा गया था। और दोस्तों, इस ड्रामा को OST अब तक काफी ज्यादा पसंद किया जाता है जिसे राहत फतेह अली खान की आवाज में रिलीज किया गया था। दोस्तों, ये थी हुमायूं सईद के टॉप 5 ड्रामास की लिस्ट। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन पांचों में से कौन सा ड्रामा आप देख चुके हैं और ऐसा कौन सा टीवी सीरियल है जो अब तक आपने नहीं देखा और आप देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इससे पहले हम फिरोज खान के टॉप 5 ड्रामास पर भी एक वीडियो कवर कर चुके हैं जिसे आप सबकी तरफ से काफी ज्यादा प्यार मिल चुका है। और दोस्तों, उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, आप किस पाकिस्तानी एक्टर की टॉप 5 ड्रामास की लिस्ट देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ऑन स्क्रीन हुमायूं सईद की केमिस्ट्री किस अदाकारा के साथ बेस्ट लगती है। वेल, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसी ही पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री की हर अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।